अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नानीस वर्ल्ड। आज हमारे यहाँ ईद बकरीद का थर्ड डे है। आज फायका बनाएंगे स्पेशल पुलाव, मटन पुलाव। तो ये देखिए प्याज बिलिस्ता रेडी कर रहे हैं, इसमें सब गरम मसाले डालें, इलायची 10 से 15 काली मिर्च और दालचीनी की लकड़ी, 2-3 तेज पत्ते और लौंग, ये सब डाला है। साथ में बनाएंगे बिलिस्ता, बना रहे हाफ से थोड़ा ग्रो हो गया तो इसको लाल कर दें। दूसरी तरफ गो काली मिर्च कितनी, 10-15 डाली है मैंने, डाल दें इसमें, अंदर रख दें बॉटल जी। और कल हम लोग ने सेकेंड डे बनाया था, मटन फ्राई किया था और दूसरा दाल चावल सब्जी बनाई थी रोटी, क्योंकि फर्स्ट डे हमारी लड़की के हम लोग ने खाया था, उनके यहाँ कुर्बानी थी तो बुला लिया था हम लोग को, तो वहाँ पे मिर्ची गोश्त कलेजी बिरयानी सब बनाया था, वो शूट वूट नहीं कर पाए हम कुछ भी। और इस सब चीज़ में क्या बताएं, समझ में नहीं आता। आज करेले की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि बकरीद का मटन हमारे हस्बैंड नहीं खाते, पता नहीं क्यों, महीने डेढ़ महीने तक वो खाते ही नहीं। तो पुलाव तो बनेगा तो हम सब लोग खाएंगे, और ये सब्ज़ी बना रहे हैं हम लोग, करेले की सब्ज़ी उनके लिए, रोटी पिंकी इसमें गोश्त बॉयल में ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा, एक आधा चम्मच, 1 चम्मच सौंफ है, और 1 प्याज ऐसे बड़े काट के डाल लें इसमें, 7-8 कली लहसुन की, 1 किलो गोश्त है और 1 ही किलो चावल है। तो स्पेशल पुलाव बनेगा ये, इसको आप भटियारा स्टाइल भी बोल सकते हैं, इस तरह के अखनी पुलाव को। इलायची 2 छोटी इलायची, तेज पत्ता, 2 चम्मच अखी धनिया, इसको उसमें पोटली में डाल दें तो अच्छा था भाई का, छान लेते हैं ना गोश्त, छान निकाल लेंगे गोश्त, उसके बाद मसाला छन्नी में डाल के थोड़ा सा चम्मच से मसल देना तो उसका टेस्ट आ जाएगा, है ना, खड़े मसाले का। नमक डालें? हाँ नमक डालो, 1/4 चम्मच, नहीं और डालो, हाँ उतना डालो, 1/4 चम्मच नमक, हरी मिर्ची भी ले लो। और पेस्ट कितना किया मिर्ची का, मसाले का? 20 मिर्ची थी, हाँ अब ऐसे भी डैडी कहाँ खाने वाले है। इसमें जो है लहसुन अदरक का 2 चम्मच पेस्ट डाला हमने, 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन का, और कोथमीर, और ये ज़ीरा, हरी मिर्ची, कम से कम 20-21 हरी मिर्ची लिया है हम लोग ने। अच्छा स्पाइसी मस्त बनाएंगे, स्पेशल पुलाव रहेगा आज हम लोग का तिवासी ईद में। तो ये मसाला भून गया, देखिए रेडी हो गया, और गोश्त अभी हम लोग का नहीं गला, एक्चुअली काम वाली आका तो वो अभी घस के गई, इसलिए गोश्त हमारा पेंडिंग होगा अभी, गोश्त ये मसाला रेडी है तो टाइम नहीं लगेगा, गोश्त अभी कुक हो जाए थोड़ा, 7-8 सीटी में कुक होएगा ना। तो ये फिर आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा बता दिखाएंगे आपको। और मसाला भूनने के बाद इसमें डालेंगे 2 कद्दूकस करके टमाटर, है ना, 2 टमाटर डालेंगे ना, और दही कितना डाला है, 1 कप दही डाला है। अब ये मसाला हो गया ऑलरेडी, गोश्त हमारे में ये थोड़ा कुक हो जाए, सीटी नहीं है कब अभी। हमारी फायका ने बिंदास जो है अपने स्टाइल का पुलाव बना रही है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा टेस्टी बनने वाला है। बिरयानी हो या पुलाव, जब तो आप दिल से अच्छे से मसाले सब डालिए तो बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना बनता है, कोई भी बिरयानी हो, पुलाव हो, मटन कोरमा हो या कुछ भी हो, नॉन वेज बहुत ही अच्छा बनता है। गोश्त डाल देंगे पहले, गोश्त की सीटी भी आई नहीं, क्या बहुत लेट होने वाला है। करेला हमने पहले इसमें क्या करेंगे, करेले को फ्राई करेंगे हल्का सा, फिर इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज के स्लाइस किए, ये इसी में डाल देंगे, और ये हल्का ब्राउन होएगा तो ये मसाले पीसना है हमको। 1 चम्मच ज़ीरा है, 6-7 कली लहसुन की, 1 टुकड़ा इसका अदरक का है, 5 हरी मिर्ची, 1/2 प्याज, 1 टमाटर, ये सब साथ में पीस लेंगे। फिर जब ये अच्छा फ्राई हो जाएगा फिर इसमें मसाला डाल के अच्छे से भून लेंगे, और हल्दी मिर्ची नमक, हल्दी मिर्ची धनिया की भुकी इसमें लास्ट में डालेंगे। गोश्त बॉयल हो गया, गोश्त इसमें हमने चुन के डाल दिया बोटी बोटी, और जो मसाला है ना वो अच्छे से जो है ना स्टेन करने का, ना भाई का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये नीचे ही रखो, ऐसे ही रखो, ऐसे रखो इसको अच्छा से, क्या है सौंफ ज़ीरा हरी मिर्ची प्याज लहसुन सबका जो है ना इसका पेस्ट अंदर आ जाए, थोड़ा सा ठंडा हो गया तो निचोड़ के निकाल दो, मत डालो बता रहे, इसको निचोड़ लेंगे, रुक जाओ। ये मटन का जितना निकला था ना स्टॉक, बोलते क्या बोलते भाई, हम भी हिंदी मीडियम में हम लोग, मगर हम फिर भी कोशिश करते हैं कि इंग्लिश वर्ड भी बोलें। ये निकला है इसमें
तीन गिलास है ना, तो चावल है चार, एक किलो चावल है तो हमको आठ गिलास पानी डालना पड़ेगा, तो ये तीन हो गए। तो करेले का कलर चेंज हो गया, थोड़ा फ्राई हो गया, इसमें हम डाल देंगे प्याज। करेला तो बहुत तरह से बनता है, फ्राई बनता है, बहुत डायबिटीज़ वाले जो होते हैं सिर्फ फ्राई करके खाते हैं, उसमें हल्की सी काली मिर्च नमक में तो मिर्ची की भुक्की नमक साथ में खाते हैं, दाल चावल है सब रोटी से खाने लिए खाते हैं, लेकिन इस तरह से हमारी अम्मी लोग बनाती थी करेला। और फिर भरुआ करेला बनता है, उसमें आप चाहे मसाले भरो या तो फिर कीमा ईमा जो नॉन वेज वाले कीमा भर के भी बनता है, तो इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसमें पानी डाल दिया, आठ गिलास पानी डाला हम लोगों ने, ये उबल जाए फिर इसमें डाल देंगे राइस। अब गोश्त खूब अच्छे से कुक हो गया हमारा, आठ नौ सीटी भी ना घर, बस चावल डालना बाकी खाना रेडी, सब्जी ही खाएंगे खाएंगे पुलाव तो खाने वाले नहीं है। हो जाए फिर आगे का कैसे मसाला पीस लेंगे। तब बॉयल हो गया चावल, हमने डाल दिए देखिए, अब ये पक जाएगा फिर सीजने को रख देंगे। दूसरी तरफ हमारा करेला रेडी हो रहा है देखिए, डाल देते हैं मसाला, डाल दे करेला आधा हमारा कुक हो गया, इसमें डाल देंगे पेस्ट। पाँच चम्मच अंदाजे से डाल देंगे हल्दी और एक चम्मच के साथ जरूर डाल देंगे धनिया की भुक्की, उनको अंदाज़ा आप नाप पे डालिए। एक चम्मच आधा किलो करेला है और आधा ही किलो प्याज है, तो अच्छे से मैंने भूख लो आँच पे भूनेंगे इसको। ब्लॉग हमारे बने रखे हैं लेकिन क्या करें, कल हम गिर भी गए बेड पे बिस्तर लेने, वह नीचे बेडरूम में बहुत ज़ोर गिरे हैं, मेरे शोल्डर में और पैर में मार आई है, चल नहीं पा रहे, अभी दवा ला के आए खाया है तो काम कुकिंग करने के लायक नहीं, तो हम ऐसा गिरे हम कि मेरा होटल बैठा था बुक लेके, मेरे को ऐसा लगा वो उसके मेरे पैर के नीचे उसका हाथ आ गया, तो बचाने के चक्कर से हम गिरे इस तरह से बहुत बुरी तरह गिरे। चलिए अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने बचाया नहीं तो और कुछ इंजर्ड हो जाते तो फिर ये भी रहता। बस इसको स्लो आंच में पकाएंगे, एकदम पिंक कलर की भाजी होगी, बहुत ही टेस्टी लगती है पाव से रोटी से करेले की सब्ज़ी। थोड़ी सी डाल देंगे मिर्ची भुक्की, क्योंकि मिर्ची भी हमने राइस में पीछी, पाँच छः पी मिर्ची पीसी हरी, थोड़ी सी डाला मिर्ची भुक्की, आधा चम्मच से कम डाल देंगे नमक, क्योंकि ये फ्राई होकर और कम हो जाएगी भाजी। धीरे धीरे से गुलाबी होती जाएगी और स्लो आंच पे इसको 5-10 मिनट और कुक करेंगे, एकदम गुलाबी गुलाबी हो जाएगी। हमारी बहू माशाल्लाह से BSc है, टॉपर पढ़ने में स्कॉलर, और कुकिंग के जो बच्चे पढ़ते हैं इतना नहीं कुकिंग का जानते, ज़रूरत भर की कुकिंग, लेकिन माशाल्लाह से हमारे घर का काम उसने बहुत अच्छे संभाल लिया है। कुकिंग भी जो नहीं समझता हमसे पूछती है, नहीं तो अपने सर्च करके खुद, ये पुलाव तो अपने ऊन से बनाया उसने माशाल्लाह से, बहुत नई नई चीज़ें इसमें डाली हैं और खाने के टाइम बहुत अच्छा लगने वाला है, जायका ले लेंगे लोग खाएंगे, बहुत टेस्टी बनने वाला है। चटपटा भी है मस्त, मिर्ची हिसाब से डाली उसने, इसमें मिर्ची हमने कम रखी थी क्योंकि डैडी खाएंगे, और माशाल्लाह से जो भी चीज़ कोरमा है ये सब चीज़ बहुत अच्छा बनाती, नहीं आता तो पूछ लेती है, नहीं तो कुछ देसी खाना बनाना हुआ तो अपनी अम्मी से पूछ लेगी फ़ोन करके, अम्मी ये कैसे बनाते, तो उनकी अम्मी एक्सपर्ट हैं देसी खाना, हमारी छोटी बहन बना, बहन की लड़की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं, बहुत बहुत अच्छी मिली हमको, अल्लाह पाक खुश रहे, परवरदिगार इनके नसीब से हमारे बेटे को अल्लाह नवाजे, अजलान हमारा उसके नसीब से अल्लाह पाक नवाजे, अच्छा रखे खुश रखे मेरे बच्चों को। बस यही है माँ बाप के लिए, बच्चे लोगों की ही खुशी सबसे अहमियत है।
लो हमारा देखिए बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, सर्व करके आपको दिखा दें। ये हमारी बहू ने बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है खाना, खा के मज़ा आएगा हम लोग। पुलाव बन के रेडी हो गया है, स्पेशल अपनी पुलाव है। करेला मेरा बन के रेडी हो गया, आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए एकदम मस्त गुलाबी रंग करेला कलर, एकदम खाने में बहुत ही टेस्टी रहेगा ये। चलिए दो में याद रखिए, इंशाल्लाह नए ब्लॉग बन गए। अल्लाह हाफिज़।